हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी के 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। हम इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स, उनमें से जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 13 और अपॉन में आ जाएगा 10। अब ये 10 कैसे आया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अगर आप राइट से चेक करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। अगर आप राइट से चेक करें और एक डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप अगर उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, ये 10 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब देखिए ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे, 10 वन द 10, 10 वन द 10। तो यहां पर न्यूमरेटर में बचा 13, यहां न्यूमरेटर में 1 है, 13 × 1 13 होता है, तो यहां 13 आ गया, अपॉन में 1 बचा। अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो जब हमने 1.3 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमें आंसर मिल गया है 13। अब हम इसी क्वेश्चन को करने का आपको दूसरा मेथड सिखाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल होता है ये एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये 1 और 3 तो यहां पर हमने एज इट इज लिख लिया, डेसिमल यहां पर था जो एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और यहां लास्ट में आ गया। और यहां लास्ट में हमें डेसिमल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, आप डेसिमल लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा आंसर कितना आया है 13। तो इसमें से जो भी मेथड आपको इजी लगे या जो भी मेथड आपके स्कूल में सिखाया जाए आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10। अब सबसे पहले हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो यहां पर न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 368 और अपॉन में आ जाएगा 10। ये 10 क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर देखिए राइट से अगर आप चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, ये 10 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब ये जो 10 है और ये जो 10 है ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे, 10 वन द 10 एंड 10 वन द 10। अब यहां न्यूमरेटर में है 368, यहां न्यूमरेटर में है 1। 368 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 368। अपॉन में 1 है तो अपॉन में 1 दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो जब हमने 36.8 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमें आंसर मिल गया है 368। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। हमें दिया गया है 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप ये भी याद रखिएगा कि अगर हम किसी डेसिमल वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होता है। अब यहां पर क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी यहां पर आ जाएगा। तो ये 368 तो यहां पर हमने एज इट इज रखा, ये डेसिमल पहले यहां पर था तो यहां से एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी यहां लास्ट में आ गया। और यहां पर आप डेसिमल लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा आंसर 368 आया है। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब इस डेसिमल को हम यहां से हटाएंगे तो हमें मिलेगा 1537 और अपॉन में 10 आ जाएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप यहां पर देखें तो राइट से अगर आप चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया और ये 10 भी एज इट इज आ गया। अब ये 10 न्यूमरेटर में है और ये 10 डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों 10 आपस में कट जाएंगे। देखिए 10 वन द 10 एंड 10 वन द 10।
अब यहाँ न्यूमरेटर में है 1537, यहाँ न्यूमरेटर में है 1। जब आप 1537 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1537। अपॉन में यहाँ 1 है तो यहाँ अपॉन में 1 लिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जब हमने 153.7 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमें आंसर मिला है 1537। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। तो हमें दिया गया है 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। तो 1537 को यहां हमने एज इट इज लिखा और ये डेसिमल जो पहले यहां पर था वो यहां से एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होकर यहां लास्ट में आ जाएगा। और यहां लास्ट में हम डेसिमल लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता है। तो इस मेथड से भी हमारा आंसर आया है 1537। अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले हमने इसके सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटा देंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 1608.07 और अपॉन में 100 आ जाएगा। अपॉन में 100 क्यों आया स्टूडेंट्स? तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप राइट से चेक करें तो एक और एक, ये दो दो डिजिट के बाद यहां पर ये डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप उस डेसिमल को अगर हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, ये 10 भी एज इट इज आ गया। अब ये एक जीरो और ये एक जीरो आपस में कट जाएंगे तो हम इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं। अब यहां न्यूमरेटर में है 1608.07 और यहां पर न्यूमरेटर में है 1। जब हम 1608.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें यहां न्यूमरेटर में मिलेगा 1608.07, अपॉन में क्या है 10 है। तो अब हमें क्या मिल गया है 1608.07/10। अब हम 16,807, जिसको हम 16807 भी कह सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, मतलब डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। और अगर आप डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाते हैं तो ये डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी ये यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। तो हमने 16807 को एज इट इज रखा और ये डेसिमल जो यहां पर था ये एक डिजिट शिफ्ट होकर यहां पर आ गया। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला है 1680.7। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने 168.07 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमें आंसर मिला 1680.7। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है। हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी ये डेसिमल यहां से एक डिजिट शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। तो 16807 को हमने एज इट इज रखा और ये डेसिमल जो पहले यहां पर था ये एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होकर यहां पर आ गया। तो जब हमने 168.07 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमें आंसर मिला है 1680.7। दोनों ही मेथड से देखिए हमारा आंसर सेम आया है। तो इसमें से जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हैं उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो हमें यहां पर न्यूमरेटर में मिलेगा 311 और अपॉन में 10 आ जाएगा। ये 10 कैसे आया स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, यहाँ राइट से अगर आप चेक करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया, ये 100 भी एज इट इज आ गया। अब यहां पर एक जीरो ये और एक जीरो ये आपस में कट जाएंगे तो एक जीरो को हमने इस जीरो से काट दिया। अब यहां पर न्यूमरेटर में है 311 और यहां पर न्यूमरेटर में है 10। हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब हम 311 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 3110। अपॉन में क्या बचा? सिर्फ 1। तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 31.1 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिला है 3110।
अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी डेसिमल वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये डेसिमल दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हमने ये 311 यहाँ पर एज इट इज रखा। ये डेसिमल पहले यहाँ पर था और यहाँ से कितना डिजिट राइट की तरफ जाएगा, दो डिजिट। तो पहले इसने इस वन को क्रॉस किया, अब इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हमने जीरो लगाया। अब ये डेसिमल जो यहाँ पर था इसने पहले ये डिजिट क्रॉस की, फिर ये डिजिट क्रॉस की और ये यहाँ पर लास्ट में आ गया। और लास्ट में डेसिमल लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 31.1 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिला है 3110। तो दोनों ही मेथड से देखिए हमारा आंसर सेम आया है। अब हम सिक्स पार्ट को सोल्व करेंगे। सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1561 और अपॉन में 10 आ जाएगा। ये 10 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पर चेक करें कि राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया, 100 भी एज इट इज आ गया। अब यहां पर ये जीरो और यहां से एक जीरो आपस में कट जाएंगे, तो ये एक जीरो और ये एक जीरो को हमने आपस में ये काट दिया। अब यहां पर न्यूमरेटर में है 1561 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर बचा 10। तो अब हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 1561 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 15610। अपॉन में सिर्फ 1 बचा तो यहां पर अपॉन में 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हमने 156.1 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिला है 15610। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम डेसिमल वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो 1561 को यहां पर हमने एज इट इज रखा। ये डेसिमल देखिए पहले यहां पर था और इसे दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो पहले तो इसने 1 को क्रॉस किया, 1 के आगे तो देखिए कोई डिजिट नहीं थी, तो 1 के आगे हमने यहां पर 0 लगाया। तो यहां से ये डेसिमल अब पहले इस 1 को क्रॉस करेगा, फिर इस 0 को क्रॉस करेगा और इन दो डिजिट को क्रॉस करके यहां लास्ट में आ जाएगा। और लास्ट में डेसिमल लगाए या ना लगाए फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 156.1 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिला है 15610। तो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आ गया है। तो इनमें से जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।